जो कि उनका विशेष आभार है, क्योंकि उन्होंने हंसकर, डांटकर और बड़ाई करके भी, जैसे भी एक शिष्य के लिए कुमारवत आचरण किया जाता है, वैसे ही करके उन्होंने अपने थोड़े संस्कार हमें डालने के प्रयास किए। हाँ, उतने सुपात्र न होने के कारण मैंने उतना ग्राह्य नहीं भी किया हो, पर थोड़ी बहुत कोशिश जरूर की है। उनके ही उसमें हमने ये सीखा कि अपनी व्यस्तताओं के बीच में भी रिसर्च ओरिएंटेड लेखन और उद्बोधन कैसे किए जा सकते हैं। थैंक यू सर, प्रणाम सर। इसी कड़ी में मैं अपने पूर्व के कॉलेजेस, आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी से जुड़े हुए लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, और वर्तमान के कार्यस्थल एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन हॉस्पिटल जब भी एहसान बनते हैं। हाँ चुनार से जो है हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर एस के सिंह, निदेशिका डॉक्टर अंकिता जी, डॉक्टर स्वरूप पटेल जी, डीन प्रोफेसर मिश्री सर जी, प्रिंसिपल प्रोफेसर यशवंत सिंह जी और हमारे एकेडमिक हेड प्रोफेसर ए के सोनकर जी का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, तथा हमारे प्राचीन नवीन कॉलेज से जुड़े हुए समस्त शिक्षक बंधु, छात्रों तथा अन्य सभी स्टाफ का भी मैं यथोचित अभिवादन करना चाहता हूँ। आज हम ऑटिज्म के अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड ऑटिज्म डे के अवसर पर ऑटिज्म का सामान्य परिचय और आयुर्वेद की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए इमामी जंडू और डॉक्टर पवन शर्मा जी का बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि मेरा टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, टेकिंग ऑटिज्म ऑन द रडार ऑफ आयुर्वेदा। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1 साल के लॉकडाउन के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने की स्थिति में आए हैं, और इस बीच हमने देखा कि आयुर्वेद की क्या उपयोगिता हो सकती है। एक अनाम व्याधि जिसको कि पहले कभी आयुर्वेद में उसका वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद दुनिया का के कुछ ही 8-10% जो पूर्वाग्रह ही ना हो, ऐसे लोगों ने भले ही जो है काढ़ा ना पिया हो, लेकिन सब ने अदरक तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा पिया हुआ। ये हमारे आयुर्वेद की उपयोगिता है। ऐसे ही अगर ऑटिज्म को भी हम अपने राडार पर लेते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब हम ऑटिज्म को भी का भी समय को उपचार करा पाएंगे और लोगों को जो है इसके जागरूक कर पाएंगे। यूएन जनरल असेंबली ने सबसे पहली बार दिसंबर 18, 2007 को ये डिजिग्नाइट किया गया कि जो है आयुर्वेद जो ऑटिज्म है इसके लिए अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑटिज्म को उस तरह से नहीं लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड ऑटिज्म डे ऑन अप्रैल 2, 2008 को मनाया गया, और उसके बाद से ये लगातार हम मनाते जा रहे हैं। इस वर्ष यूएन सेक्रेटरी जनरल का मैसेज 2021 के लिए था कि एज वी वर्क टुगेदर टू रिकवर फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक, वन की गोल मस्ट बी टू बिल्ड ए मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल वर्ल्ड दैट रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पीपल इंक्लूडिंग पर्संस विद डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पर उन्होंने डिसेबिलिटी से युक्त पर्सन को भी इसमें इंक्लूड करने की बात करी, जिससे कि उनको भी, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि ऑटिज्म एक ऐसी तरह की डिसेबिलिटी है जिसमें कि व्यक्ति समाज से अपने आप को जोड़ नहीं पाता या समाज से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पाता, ऐसी कंडीशन में हमें उन्हें जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ऑटिज्म ऑलवेज यूनिक, टोटली इंटरेस्टिंग एंड समटाइम्स मिस्टीरियस। अभी तो हम शुरू करते हैं और बाद में ये दिखाएंगे कि ये कैसे मिस्टीरियस भी है। इन क्लासिक साइकियाट्री ऑटिज्म मीन्स मेंटल रेट्रोवर्जन इन विच अटेंशन और इंटरेस्ट इज थॉट टू बी फोकस्ड ऑन द ईगो, एंड सेकंड मीनिंग ऑफ द ऑटिज्म इज विदड्रॉल फ्रॉम कम्युनिकेशन विद अदर्स, ऑफन एकम्पनीड बाई रिपिटेटिव और प्रिमिटिव बिहेवियर्स कलेक्टिवली नोन एज ऑटिस्टिक बिहेवियर। एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑटिज्म के लिए बारे में बताएं, जो कि बहुत सारे लोग ऑटिज्म को शायद हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि ये अपने आप में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 2008 से शुरू हुआ है इसके प्रति जो जन जागरण का अभियान है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ऑटिज्म पहली बार सुना हो।
यह हो सकता है सुने तो हो पर उसके बारे में कोई अवधारणा ना हो उनके मन में, इसलिए ऑटिज्म का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं यहाँ दे रहा हूँ, अदरवाइज आगे मैं और सारी बातें करूँगा। ऑटिज्म लॉग विद इन देमसेल्फ्स, ऑटिज्म का मतलब ही होता है लॉग विद इन देमसेल्फ, सेल्फ सेंट्रिक स्टेट ऑफ मेंटल इंट्रोवर्जन लिमिटेड टू देमसेल्फ्स ओनली। हम अपनी भाषा में अगर इसे कहें तो स्वलीनता, आत्म केंद्रीयत्व कह सकते हैं। इसके शिकार बच्चे अन्य बच्चों की अपेक्षा अलग व्यवहार करते हैं, नए लोगों से मिलने जुलने में हिचकिचाते हैं, आंख मिलाकर बात नहीं करते हैं, किसी प्रश्न का जवाब देने में परेशान हो जाते हैं, जवाब देने की कोशिश में वो प्रायः एक बात कई कई बार कर दोहराते रहते हैं, और इनकी अपनी पसंद बहुत प्रबल होती है। अगर उस पर जरा सा भी कहीं चोट आए तो वो तुरंत ही एरोगेंट हो जाते हैं। कुल मिलाकर अपने में मग्न रहने वाले कोई आए या जाए घर में परिवार में इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन की न होने पर जल्दी ही डिस्टर्ब हो जाने वाले कुछ इस तरह के होते हैं ये ऑटिज्म के शिकार बच्चे। माइल्ड मॉडरेट और सीवियर किस्म का अपने गुणों के कारण ये इस उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सी हिस्ट्री में चलते हैं कि ऑटिज्म कब और कैसे जो है इसको लोगों ने पहचाना। तो कैनर ने 1943 में इसे पहली बार जो है इंट्रोड्यूस किया लोगों को, वो यूक्रेनियन ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन ओरिजिन के जो है चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने डिफाइन किया। ही डिफाइंड ऑटिज्म इन डिटेल्ड केस डिस्क्रिप्शन ऑफ चिल्ड्रन शोइंग सोशल एलूफनेस मीन्स अलगाव, सोशल सामाजिक अलगाव, कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट एंड स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर एंड इंटरेस्ट ऑफन एकम्पनीड बाई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उन्होंने एक थियरी दी कि ये इसका मेन प्रोबेबल काज क्या हो सकता है कि रेफ्रिजरेटर मदर बेबी थियरी, उसमें ये उनका एक अवधारणा थी कि शायद वो माताएं जो कि बच्चों के साथ मैकेनिकल व्यवहार करती हैं कि टाइम पे खिलाया, टाइम पे पिलाया, टाइम पे सुलाया, बट कोई जो है हृदय से या आत्मीयता से उनसे बात नहीं की, या आत्मीय वो परिवार जो वो बच्चों से आत्मीयता से बात नहीं करता है, ऐसे परिवार के बच्चे जो है शायद वो ऑटिज्म में जाते हैं, ये ऐसी उन्होंने अपनी अवधारणा दी। ईयर लेटर एक साल बाद 1944 में हैंस एस्पर्गर, कोई इसको एस्पर्गर भी पढ़ सकते हैं, हैंस एस्पर्गर वियनीज पीडियाट्रिशियन इंडिपेंडेंटली पब्लिश्ड एन आर्टिकल ऑन चिल्ड्रन प्रेजेंटिंग मार्क डिफिकल्टीज इन सोशल कम्युनिकेशन एंड अनयूजुअली सर्कमस्क्राइब्ड एंड इंटेंस इंटरेस्ट डिस्पाइट एडवांस्ड इंटेलेक्चुअल एंड लैंग्वेज स्किल्स। ये हाई फंक्शनिंग टाइप ऑफ एएसडी इसको कहा गया और इसको एस्पर्गर सिंड्रोम के नाम से कहा गया। ये एस्पर्गर सिंड्रोम के बच्चे जो हैं ये इनमें इंटेलिजेंट क्वेश्चन की कमी नहीं होती, ये एवरेज और एवरेज से हाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन वाले बच्चे होते हैं, इनमें बस थोड़ी टॉकिंग और राइटिंग की डिफिकल्टी होती है, तो ऐसे बच्चों को एस्पर्गर सिंड्रोम के रूप में रखा गया। ऑटिज्म इज ए जनरल टर्म फॉर ए ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट इन वेरिंग डिग्रीज ऑफ डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स। नाउ ऑल ऑटिज्म डिसऑर्डर्स आर मर्ज्ड इनटू वन अम्ब्रेला डायग्नोसिस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स इसमें लगभग 5 तरह की व्याधियों को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। ऑटिस्टिक artistic disorders and Asperger disorders, childhood disintegrative disorders and rest disorders and pervasive developmental disorders not otherwise specific. So artistic disorder जैसा मैंने पहले बताया उसमें main symptoms वही होते हैं, Asperger disorders की बात थोड़ी सी हम लोगों ने की, लेकिन इसमें childhood disintegrative disorder और rest disorder, childhood disintegrative disorders वो disorders हैं जिनमें बच्चा पहले 2 साल तक लगभग नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट उसकी होती है और फिर सडन वो जो है एकदम से जो है डिटेरियोरेट करने लग जाता है। इसी तरह से जो रेट डिसऑर्डर है ये स्पेशली बच्चियों को होता है, केवल गर्ल्स चाइल्ड को होता है, इसलिए उसको ये अलग से इसको रेट्स ने रेट्स डिसऑर्डर कहा गया। और डिसऑर्डर
NOS या नॉट अदरवाइज स्पेसिफिक, ये उन बच्चों के लिए कहा गया जो इन चारों उसमें कैटेगरीज में नहीं आते हैं, इनके लिए जो है ये एक ASD autism spectrum disorder can affect the child in the way it communicates, socialize and process sights and sounds around it. ये अपने आसपास के जो चीजें हैं उनको किस तरह से देखता और सुनता है, कई बार इसे हम माइंड ब्लाइंड भी कहते हैं कि वो देखता और सुनता तो है बट उसके प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करता है. तो इसलिए जो है वो इन चीजों को किस तरह से लेता है ASD में, ये डिफरेंट तरह से लेता है बच्चा अदरवाइज नॉर्मल बच्चों से थोड़ा डिफरेंट. स्टैटिस्टिकली अगर हम देखते हैं तो इसकी प्रेवेलेंस जो है वो 2 से 6 बच्चे पर 1000 इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं, और ये इसमें मेल बेबीज में ये ज्यादा कॉमन है. अगर एक फीमेल बेबी को मिलता है तो 4 मेल बेबीज को मिलता है. बट नो नोन रेशियल एथनिक एंड सोशल कनेक्शंस वुड बी एस्टेब्लिश्ड. मोर इन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जिसमें कि जो है प्लेसेंटा एक है, एम्ब्रियोनिक फ्लूइड एक है, ऐसे जो बच्चे ट्विन होते हैं उनमें ये ज्यादा कॉमन है, उनमें दोनों में होने की संभावना ज्यादा है. सिबलिंग्स ऑफ आर्टिस्टिक चिल्ड्रेन, जैसे जो यंगर चिल्ड्रेन ऑफ द आर्टिस्टिक चिल्ड्रेन जो है उनमें 6 से 10% तक इसके होने की संभावना ज्यादा है. इन सब के साथ में नो मेडिकल डिटेक्शन, आप इसको मेडिकली डिटेक्ट नहीं कर पाते हो और इसलिए कोई इसका क्योर निकालना भी आसान नहीं है. ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन, एक बार हो गई तो एक बार पता चल गया तो ये फिर लाइफ लॉन्ग रहती है. अंटिल वेरी रिसेंटली वी यूज टू से ऑटिज्म इज नॉट हियर इन इंडिया. बहुत जल्दी तक हम ये यही कहते थे कि इंडिया में ऑटिज्म नहीं है, एक वेस्टर्न सिंड्रोम है जो कि वेस्टर्न लोगों में पाया जाता है. लेकिन रिसर्चर्स ने देखा कि ये ऐसा नहीं है, ये जैसे कि और देशों में है वैसे ही इंडिया में भी है. ऑटिज्म कैसे प्रेजेंटेशन कैसे देता है? ऑटिज्म इज ए कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ न्यूरोडेवलपमेंटल कंडीशंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड ऑनसेट, रिकॉग्नाइज्ड एज अर्ली एज 6 मंथ ऑफ द एज एंड ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश्ड अप टू एज ऑफ 3 इयर्स. लेकिन एक कीन ऑब्जर्वर कैन सस्पेक्ट इवन अर्लियर. फ्रेंड्स, फोकल स्माइल इज नॉट सीन इन द चाइल्ड विच जनरली प्रेजेंट एट 6 to 5 वीक. जैसा कि हम जनरली जानते हैं कि सोशल स्माइल बच्चों में 4th से 5th वीक में, कहने का मतलब कि लगभग 1 मंथ में कह सकते हैं, 1 मंथ में सोशल स्माइल बच्चों में आ जाती है या इससे पहले ही आ जाती है, 1 मंथ तक जरूर आ जानी चाहिए. तो अगर तब तक बच्चा जो है सोशल स्माइल नहीं कर रहा है, वो कहीं का कहीं देख रहा है, तो हम जो पेरेंट्स हैं वो सस्पेक्ट कर सकते हैं या जो डॉक्टर है वो सस्पेक्ट कर सकता है, जो पेडियाट्रिशियन है वो सस्पेक्ट कर सकता है. हैंड फ्लैपिंग व्हेन एक्साइटेड, जब एक्साइट होते हैं तो वो जैसे जो कभी आपने चिड़िया को देखा पैर फड़फड़ाती है, पैर पैर पंखे फड़फड़ा के वो ऊपर उड़ती है, वैसे ही ये जो बच्चे हैं वो अपना हाथ दोनों ऐसे हिलाते हैं जैसे कि फ्लैपिंग कर रहे हैं. Unable to express in spite of good language. इनके पास language के ज्ञान की कमी नहीं होती, लेकिन ये अपने को express नहीं कर पाते. Intellectual functioning and co-occurring psychiatric and medical difficulties भी साथ में होते हैं. Social interaction, inability to make warm relations with the people around. अपने आसपास के लोगों से warm relations कर पाते. Children don't respond to their parents' affectionate behavior. माँ बाप जब उसे affectionate behavior करते हैं या प्यार से बात करते हैं, हंस के बात करते हैं, उसको भी वो normal way में लेते हैं, उसको उस तरह से respond नहीं करते कि जैसे वो समझ रहे हों आपका प्यार. Smile and look at others seldom. दूसरों की बात पे हंसना या दूसरों की बात पे मुस्कुराना ये सदम ही होता, कभी कभी हो सकता है. They keep adhere to their own things. वो अपनी ही चीजों में ज्यादा जो है चिपके रहते हैं, जैसे अपना जो गेम खेल रहे हैं उसी गेम को खेलना पसंद करते हैं, बार बार वही ये गेम खेलना पसंद करेंगे. अगर आप दूसरा गेम खेलना चाहो उनके साथ तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं. Failure to make eye to eye contact with people. लोगों के साथ आई आंख में आंख मिला के बात करना इनके लिए पॉसिबल नहीं होता. इम्पेयरमेंट इन कम्युनिकेशन, और अपनी बातें कह पाना इनके लिए संभव नहीं होता. तो इसमें कई लेवल्स हैं ऑटिज्म के. ऑटिस्टिक सावंत, सावंत मीन्स होता है एक तरह से आप समझ लो कि मतलब प्रचंडता या पांडित्य, मतलब आर्टिस्टिक पांडित्य. अब इसको एक मतलब अजीब सी बात यहाँ पर समझ में आ रही है. आर्टिस्टिक, एक तरफ तो आर्टिस्टिक की बात कर रहे हैं, दूसरे तो पांडित्य. कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, 1% के आसपास जो भी ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, उसमें 1% के बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका IQ लेवल बहुत ही हाई होता है,
वो एक तरह से पंडित की तरह से होते हैं, कहने का मतलब कि उनमें आर्ट, म्यूजिक और मैथमेटिक्स उनमें जो है हाई लेवल की होती है, तो और उनकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग मिल सकती है, ऐसे भी केसेस होते हैं। एस्पर्गर सिंड्रोम में 7 times एज मेनी एज क्लासिक आर्टिस्टिक पीपल, जो जनरल आर्टिस्टिक पीपल हैं उनमें जो है इनका रेशियो जो है 7 times ज़्यादा होता है। परवेजिव PDD या NOS, इसमें भी जैसा मैंने पहले ही बताया कि वो बच्चे आते हैं जो जिनको कि जो है हम इन सब कैटेगरीज में नहीं रख सकते हैं। क्लासिकल या कैनर टाइप का जो आर्टिज्म है, 2/3 ऑफ दिस ग्रुप आर माइल्डली टू सीवियरली हैंडीकैप्ड। मेन जो है बच्चे इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिसमें कि जो है 2/3 ऑफ द ग्रुप जो है वो इसमें आते हैं जिनमें कि इंटेलेक्ट और कॉग्निशन की कमी होती है। अब हम इसको जो है अगर इस तरह से देखें तो इसमें जो है कुछ परसेंट के बच्चे जो हैं स्टार्टिंग के देखिए उनके हाई IQ वाले हैं और बीच के मीडियोकर बच्चे हैं और साथ में जो सबसे किनारे हैं जिनका IQ लेवल बहुत ही कम है, वो जो है जैसा कि भैया मैंने पहले बताया कि वो जो है ये क्लासिक कैनर आर्टिज्म ग्रुप के बच्चे होते हैं। काजेज एंड रिस्क फैक्टर, अगर हम इस पर जाएं कि क्या काजेज और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, तो एज इन द अर्ली टाइम द स्टडीज वेयर लिमिटेड टू द लोअर नंबर ऑफ केसेस, पहले थोड़े केसेस ही मिले तो उसके हिसाब से इसमें जो जैसा कि उन्होंने जो है रेफ्रिजरेटर मदर थियरी दिया कैनर ने, तो क्योंकि थोड़े केसेस थे तो जो उनके समझ में काजेज आए उन्होंने उसको वहाँ पर बताया। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, समय आगे बढ़ा, ढेर सारे केसेस आए, तो हम जब उसमें और इन्वेस्टिगेशंस हुई तो उसमें ये पाया गया कि जीन्स का इन्वॉल्वमेंट भी साथ में ज़्यादा मात्रा में पाया गया, और इस पर हम आगे चल के आयुर्वेद पर भी इसमें जब बात करेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि कैसे जीन का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। बेबीज बॉर्न टू एल्डरली ग्रेविटा, यहाँ पर भी देखा गया कि बेबीज जो एल्डरली ग्रेविटा को जो बेबीज होते हैं उनमें जो हम उसको अतिबाला अतिवृद्धा करके आगे हम हमारे आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है, आप आगे बात करेंगे उस पर। चिल्ड्रेन हु हैव ए सिबलिंग, जो जिनके जो है जिनको ASD है उनके साथ ही उनके दूसरे बच्चे उनके जो भाई कजिन हैं उनमें जो है ASD की संभावना ज़्यादा होती है। ASD tend to occur more often in people who have certain genetic or chromosomal condition, इस तरह की जेनेटिक और क्रोमोसोमल कंडीशन में पाई जाती है उनमें जो है ये ऑटिज्म की संभावना ज़्यादा होती है। अबाउट 10% ऑफ द चिल्ड्रेन विद ASD, और साथ साथ ये भी देखा गया है कि ASD अकेला नहीं होता है, 10% केसेस में जो है डाउन सिंड्रोम भी साथ में हो सकता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम भी साथ में हो सकता है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस साथ में मिल सकती है, या अदर जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी साथ में मिल सकता है। साथ में हिस्ट्री मिल सकती है कि वैलप्रोइक एसिड और थैलिडोमाइड अगर लिया गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो भी ASD के चांसेस रहते हैं। इसी तरह से जो है जो पेरेंटिंग को भी लोग मानते हैं, कई लोग उसको डिस्कार्ड भी करते हैं क्योंकि केसेस कम है, तो पेरेंटिंग को जो है इन्होंने वो काज नहीं माना। देयर इज सम एविडेंस दैट द क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपिंग ASDs आकर बिफोर बर्थ, ये हमारे इंटरेस्ट का पॉइंट है, आयुर्वेद के इंटरेस्ट का, कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये मॉडर्न वाले भी इसको मानना है कि देयर इज सम एविडेंस दैट द क्रिटिकल पीरियड फॉर डेवलपिंग ASDs आकर बिफोर बर्थ, कहने का मतलब कि उसका काज बर्थ से पहले ही कहीं पर सन्निहित है। तो ये हमारे विशेष रूप से महत्व की चीज है, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन हु आर बॉर्न प्रीमेच्योरली, जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं या लो बर्थ वेट बेबीज हैं उनमें भी ASD के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह से कुछ और एसोसिएशन मिलता है, जैसे प्लाज्मा सेरोटोनिन, 1/3 ऑफ द केसेस प्लाज्मा सेरोटोनिन हाई पाया जाता है। पोस्ट नेटल न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो जस्ट न्यूबॉर्न बेबीज जो हैं इनका ब्लड ब्रेन बैरियर उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, ऐसे केसेस में जो भी इन्फेक्शन ब्लड में है वो ब्रेन को जो है ट्रांसफर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसलिए जो है ब्रेन डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस हैं, जैसे कि हम जो है ये मेनिनजाइटिस के केसेस देखते हैं, इंसेफेलाइटिस के केसेस देखते हैं, इनमें जो है उनमें ब्रेन डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम की बात हम कर चुके हैं। पेरिनेटल फैक्टर्स में मैटरनल ब्लीडिंग आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मींस ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो ऑर्गेन तो जो है वो उसमें वो तो बन चुका है बट उसकी मैच्योरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, और ब्लीडिंग होने के कारण जैसा कि हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन भी डिफिशियंसी हो जाएगी और ग्लूकोज की भी डिफिशियंसी साथ में हो जाएगी, ऐसे केसेस में निश्चित रूप से उसका ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो
अफेक्ट करेगा और उसको जो है एएचडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह मेकोनियम पासिंग इन यूटेरो, अगर बेबी ने यूट्रस में ही मेकोनियम पास कर दिया है तो ऐसे बेबीज को बाद में ये देखा जाए, अगर ये हिस्ट्री मिलती है कि मेकोनियम पासिंग जो है इन यूटेरो हुई थी तो उस ऐसे बेबीज को हम ये देखते हैं कि उसमें जो है एएचडी पाया जाता है। अब उसका कारण क्या है कि मेकोनियम अपने आप में ही तभी बेबी पास करता है यूटेरो जबकि उसको ऑक्सीजन की या ग्लूकोज की डिफिशियंसी ज्यादा मात्रा में होने लग जाती है, प्लेसेंटल इनसफिशियंसी के कारण, एब्रेटियो प्लेसेंटी के कारण, ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं जिनके कारण की जो है ऑक्सीजन डिफिशियंसी उसमें होने लगती है। और ऐसे केसेस में ऑक्सीजन डिफिशियंसी जहां होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रेन को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऐसे में निश्चित रूप से उसका डेवलपमेंट बाधित होता है। ऐसे पेरेंटिंग सोशल फैक्टर, पेरेंटल रिजेक्शन, माँ बाप का अगर रिजेक्शन मिलता है, फैमिली में कोई स्ट्रेस है जैसे कि ब्रेकअप है, ये सब सारी चीजें भी जो है उसमें अपना रोल अदा करती हैं। माइंड ब्लेंड जैसा मैंने पहले ही बताया, अभी डिस्कस किया कि बच्चा देखता तो है बट वो आंखों से तो देखता है लेकिन दिमाग से नहीं देखता है, हमें वो देखते हुए भी उसको अनदेखा करता है, माइंड ब्लाइंड, उसके बारे में बात यहाँ करना है। एनलार्जमेंट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल एंड सेरिब्रल डिजनरेशन, ये भी पाया जाता है जनरल केसेस में, जो भी ऑटिज्म के बच्चे हैं उनमें ये भी चीज, ये फाइंडिंग भी मिलती है। तो जनरल जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में हमने देखा कि इसमें अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडीज जीन ACTL6B जो है उससे अडेयर पाया गया, और द म्यूटेशन आर रेसेसिव। अब यहाँ पर भी हमारे मतलब की बात है जो जिस पर हम आगे अतुल गोत्रीयता आदि पर जब बातें करेंगे तो वहां पर भी इसका डिस्कशन आएगा। द म्यूटेशन आर रेसेसिव व्हिच मींस दे लीड टू ऑटिज्म ओनली इफ ए पर्सन इनहेरिट्स देम इन बोथ कॉपीज ऑफ द जीन वन फ्रॉम ईच पेरेंट। जैसा कि हम जानते हैं रेसेसिव जीन तभी इफेक्टिव होता है जबकि दोनों कॉपीज में जो है उसमें सेम टाइप का जीन हो। तो इस तरह से जो है ये आज भी ये खोजें आ रही हैं और हम इसके बारे में बहुत पहले ही बातें करते रहे हैं। हुअर साइलेंट कैरियर अदरवाइज, अगर वो केवल एक में ही है तो वो साइलेंट कैरियर की तरह से रहता है जनरली जो है, इसीलिए गर्ल्स में कम पाया जाता है और बॉयज में ज्यादा पाया जाता है। यूबीक्यूटिन लाइगेज जीन UBE3A is implicated in both autism and other disorders. More than 100 risk genes, इस तरह से 100 more than 100 risk genes हैं जो कि जो है autism के लिए responsible पाए गए हैं। Different risk genes converge on the same mechanism such as gene regulation and synaptic connectivity. इसमें epigenetically and transcriptionally, ये दो word आते हैं जिनको समझना जरूरी है, उसके बारे में बात। Epigenetic means, epi means after or beside, and genetic beside the genetic, कहने का मतलब कि something that affects a cell or organ or individual without directly affecting its DNA, its environment and lifestyle, diseases come this way. An epigenetic change may indirectly influence the expression of the genome. तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे अभी बहुत सारे काजेज हम अपने देखेंगे कि जो हमारे पुस्तकों में आयुर्वेद में बताया गया है वो सब सारे के सारे एपिजेनेटिक चेंज की बात करते हैं। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, इन द एनालिसिस ऑफ द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस्ड बाय द जीनोटाइप एट ए गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर जो टाइम जैसे जिसको हम काल अपने यहाँ बोलते हैं, उस पर्टिकुलर समय पर अगर इस तरह की हैपनिंग हो रही है तो ये जो है वो ट्रांसफर होती है जीनोम, प्रोटियोम और फिर सेलुलर फिनोटाइप में। जीनोटाइप जब फिनोटाइप में कन्वर्ट होता है तभी जाके वो अपनी जो है प्रेजेंटेशन देता है, अदरवाइज वो जीनोटाइप ही रहता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस है? जीनोटाइप इज एन ऑर्गेनिज्म फुल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, फिनोटाइप इज एन ऑर्गेनिजम्स एक्चुअल ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज, जो ऑर्गेनिज्म में जो उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं वो उसका फिनोटाइप है, और जीनोटाइप जो उसका जेनेटिकली उसको जो मिला हुआ है वो उसका जीनोटाइप है। तो ये चीजों सच एज मॉर्फोलॉजी, डेवलपमेंट और बिहेवियर, ये सारी चीजें जो है फिनोटाइप में जो है मिल सकती हैं। तो ये जो इस पूरे जो है पुनरावलोकन के साथ हम ये देख सकते हैं कि जो है ये हमने जो डिस्कस किया इससे हमें ये लगा कि ऑटिज्म क्या होता है और कैसे होता है। इसके बाद हम इसको कैसे जो है इसकी स्क्रीनिंग करें, तो इसके लिए जो है ये चेकलिस्ट कुछ दी गई हैं, चेकलिस्ट ऑफ ऑटिज्म इन टॉडलर्स और मॉडिफाइड चेकलिस्ट ऑफ ऑटिज्म इन टॉडलर्स। तो ये मॉडिफाइड चेकलिस्ट ऑफ ऑटिज्म इन टॉडलर्स है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया। इसमें 20 क्वेश्चनेयर्स हैं, आगे इस पर बात करते हैं। स्क्रीनिंग जनरली रूटीन डेवलपमेंट
routine developmental screening is suggested at 9th month, 8th month, 18th month, 24th month and 30th month of the age in well baby visits. जब हम बच्चों को जनरली बुलाते हैं कि केवल जो है वो किसी डिजीज के लिए हमारे पास ना आए, बल्कि टाइम टू टाइम वो जो है हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और अपने स्वस्थ होने का ही प्रमाण देते रहें. ऐसे के ऐसे जो जब हम बुलाते हैं तो जो है जनरल टाइम, जैसे हम वैक्सीनेशन के बुलाते हैं टाइम, वैक्सीनेशन के लिए टाइम टाइम पे बुलाते हैं, ऐसे ही 9th, 18th एंड 24th मंथ, 30th मंथ में हम इस ऑटिज्म के लिए भी जो है बेबी को बुलाते हैं और उसकी स्क्रीनिंग करते हैं. स्क्रीनिंग के डिफरेंट जो है कई टूल्स हैं. देर आर सो मेनी टूल्स इवॉल्व फॉर स्क्रीनिंग ऑफ एएसडी, एजेस एंड स्टेजेस क्वेश्चनेयर्स, एएसक्यूज, चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स चैट और मॉडिफाइड चेकलिस्ट ऑफ ऑटिज्म इन टॉडलर्स एमचैट, पेरेंट्स इवेल्युएशन ऑफ डेवलपमेंटल स्टडीज पीईडीएस, स्क्रीनिंग टूल फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स एंड यंग चिल्ड्रन स्टैट. लेकिन इसमें भी जो है जो ये एमचैट है ये सबसे ज्यादा कॉमन है और इसी को ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं. इसकी खास बात क्या है कि देयर आर 20 क्वेश्चनेयर्स टू आंसर एस आर नो. जैसा अभी मैंने पहले बताया था कि इसमें 20 क्वेश्चनेयर्स हैं, इनको एस आर नो में जो है इनको इसका आंसर देना होता है पेरेंट्स को. और वो जो है इसमें जो दूसरा, पांचवा और बारहवां, ये जो 12 सेकंड, फिफ्थ एंड 12 क्वेश्चन जो है इसका आंसर अगर यस में आता है तो ये ऑटिज्म की तरफ इंडिकेट करता है, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर अगर नो आता है तो वो ऑटिज्म की तरफ इंडिकेट करता है. इसमें अगर जो है अब सबको एक नंबर दिया जाता है, जैसे 20 क्वेश्चन है तो 20 नंबर तक मैक्सिमम इसमें आप जो है स्कोर हो सकता है. तो उससे अगर 2 से कम स्कोर आता है तो ये लो रिस्क है, 3 से 7 के बीच आता है स्कोर तो मीडियम रिस्क है, और इसी तरह से 8 या 8 के अबव जो है स्कोर आता है तो वो हाई रिस्क में है और इसमें एचडी के कंप्लीट चांसेस हैं. तो ऐसी कंडीशंस में सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशंस के लिए अगर हम जाते हैं तो हमें अपने इसमें देखना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, और हम इसको फिर जो जैसा कि हमारे यहाँ पहले ही बताया गया है कि निदान परिवर्जनम, सबसे पहले हमें कारण को जो है कारण का निवारण करना होता है. तो सबसे पहले जो हमने कारण अभी ऊपर देखे उनके निवारण के लिए हमें क्या क्या करना होगा उसी के बारे में आगे डिस्कस करते हैं. एक्चुअली विद द एडवांसमेंट इन मॉडर्न मेडिसिन नाउ वी आर स्टार्टिंग टू फोकस दैट डिजीजेज जस्ट नॉट अकर ड्यू टू सम एक्सटर्नल कॉजेज लाइक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट ओनली, बट देयर रिमेन सम प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स इन द बॉडी व्हिच गवर्न हाउ टू टेक एंड हैंडल द गिवन सर्कमस्टेंसेस. कहने का मतलब ये है कि जो मॉडर्न साइंस है वो आज इन चीजों पर सोचना शुरू किया है कि जो है पहले तो वो यही मानता रहा कि सारी चीजें जो है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं या एनवायरमेंट के कारण होती हैं, लेकिन अभी इन्होंने ये सोचना शुरू किया है कि नहीं, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो कि वो बर्थ से पहले ही उन सब चीजों का जो है बीज रूप में उसमें जो है बच्चे में वो आ चुकी होती हैं और बाद में वो जो है उनका प्रकटन बाद में होता है. But there remain some pre-existing factors in the body which govern how to take and handle the given circumstances. और आयुर्वेद इस पर बहुत पहले से बात करता है. आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट एंड फंक्शन ऑन दैट बेसिस फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर. हम हजारों साल पहले से ये बात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लेकिन लोग उस पर हंसते तो हैं बट उस पर जो है फॉलो नहीं करते हैं या उसको अनसुना करते हैं या उसको जो है ये कहते हैं कि पता नहीं कहाँ के दकवने से बातें हैं. Our Maharshis have already mentioned the theory of garbh vikriti due to bees dosh and fetal environmental conditions. यहाँ पे देखो कितना सुंदर यहाँ पे वर्णन है कि कैसे जो है diseases जो है वो bees रूप में ही जो है शरीर में आ जाती हैं. अभी भी यहाँ पर एक खास चीज जो बताई गई जिस पर कि आज भी हम जो है मॉडर्न साइंस में उसकी बात नहीं करते हैं. बीज की बात तो अभी भी करते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन आज हम मानते हैं, लेकिन आत्मकर्म इस पर हम कभी बात नहीं करते और ना इसको मानते हैं. लेकिन यहाँ पर जो है सेकंड काज उसी को बताया गया. बीज तो है ही, आत्मकर्म आशय, आशय मीन्स गर्भाशय या आसपास जो भी उसका एनवायरमेंट है दैट इज आशय. काल वो दो टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तमाम तरह की जो है चीजें जो है जैसे कि जो उसका पूरा 9 मंथ का स्पैन है जो लाइफ का जो इन यूटेरो उसमें जो है पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर डिजीज होने के चांसेस हैं उसकी बात कर रहा है. दो काल दोष ही मातुष तथा आहार विहार, माता के आहार विहार ये सारे दोष जो है. कुर्वंती दोषा विविधानि दुष्टा,
ये विभिन्न तरह के बहुत तरह के दोष करते हैं जो कि संस्थान को मतलब सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होता है उनका वर्ण, और इंद्रिय इंद्रिय व्यक्तानी जो कि अभी हम देख रहे हैं एएसडी में क्या है, इंद्रिय व्यक्तानी ही है। तो बीज है, बीज दोष है, और आत्मकर्म है, आश्रय दोष है, काल दोष है, और मातृ आहार विहार दोष है। ये जो है डिजीज को उत्पन्न करने के लिए सबसे प्रमुख कारण बनते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सोल्यूशन क्या है, प्रिवेंशन। फर्स्ट फर्स्ट सोल्यूशन इज द प्रिवेंशन। व्हेन वी वेयर टॉकिंग रोल ऑफ आहार विहार एंड पूर्व जन्म कृत कर्म, पीपल वेर लाफिंग एट मी। पूर्व जन्म कृत कर्म डोंट लीव यू। पूर्व जन्म कृत जैसा अभी हमने दिखाया वहां पर कि पूर्व जन्म कृत कभी आपको छोड़ते नहीं है, आपको अपने ये पुण्य पाप का फल भोगना ही होगा। बिकॉज योर डीड्स लीव देयर फिंगरप्रिंट्स टू योर बीज, बीज भागा व्हिच टेक पार्ट इन द सेल डिविजन्स एंड दस अफेक्ट टू योर नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पर बात अच्छी तरह से समझ में आ जा रही होगी कि कैसे आपका जो कर्म है वो आपके जनरेशन तक जा रहा है। तो प्रिवेंशन में जैसा कि अभी भी हम बात कर रहे थे कि मॉडर्न अभी अब जाके एक्सजीन फ्रेजाइलिटी की बात करता है, जबकि हम पहले ही जो कि एक्सजीन फ्रेजाइलिटी आप जानते हैं कि जैसे ही एज एडवांस होती जाती है, एडवांसमेंट एज के साथ एक्सजीन फ्रेजाइलिटी बढ़ती है, और उसको भी इन्होंने कंजेनाइटल मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के, एएसडी की तरह की कंजेनाइटल मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के लिए कारण माना है। वी आर एडवोकेटिंग टू बिट्रे फ्रॉम लेट एंड अर्ली एज प्रेगनेंसी। हम बहुत पहले से इस पर बात करते जा रहे हैं। अति बालाम अति वृद्धाम दीर्घ रोगिणीम अनेन वा विकारेण उपसृष्टाम वर्जयेत। जो अति बाला है, जो अति वृद्ध है, इनमें जो है विकार उपसृष्ट हो जाते हैं, और इस कारण से इनमें जो है प्रेगनेंसी अवॉइड की जानी चाहिए। ऑल दीज हैव एपिजेनेटिक इन्फ्लुएंस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर टू कॉज द डिसऑर्डर लाइक एएसडी। महर्षि चरक डेडिकेटेड होल 8 चैप्टर्स ऑफ शारीरिक स्थान फॉर व्हाट आर द फैक्टर्स गोइंग टू अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ गर्भ। गर्भ का फॉर्मेशन जो है आप देखिए, उनका शुरुआती जो चीजें हैं कतिधा पुरुषीय से लेकर अतुल्य गोत्री और सारे चैप्टर्स अगर आप पढ़िए उसमें जो है कितना सुंदर वर्णन आया है कि ही डिस्क्राइब्ड वेरी डिटेल्ड मैनर व्हाई एंड हाउ ए न्यू लाइफ बिगन्स। एक नई लाइफ कैसे शुरू होती है, क्यों शुरू होती है और कैसे शुरू होती है, एंड टेक्स इट्स अप्रोप्रिएट फॉर्म एंड हाउ इट डेवलप्स टू ए फीटस एंड ए चाइल्ड आफ्टर टेकिंग बर्थ। और यही कैसे फीटस और कैसे जो है चाइल्ड आफ्टर बर्थ एक चाइल्ड के रूप में जन्म लेती है। ऑल प्री कंसेप्शनल फैक्टर्स लाइक व्हेन एंड होम टू मैरी। हमें इस पर बहुत ध्यान देना होगा कि कब और किससे मैरिज होनी चाहिए, हाउ टू क्रिएट ए कंसेप्टस, हाउ टू ईट व्हाट टू ईट एंड हाउ टू बिहेव व्हेन ए कंसेप्टस आर ए फीटस इन हैज डन टू योर फैमिली। जब एक आपके आप फीट एक फीटस जब आपकी फैमिली में अवतरित होता है तो हमें क्या, हमारे पूरे परिवार का क्या बिहेवियर होना चाहिए, खास करके माता का क्या बिहेवियर होना चाहिए, उसके पिता का क्या बिहेवियर होना चाहिए, और उसके जो एनवायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, इसी पर यही जो है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। गर्भ संस्कार के रूप में जो गर्भ संस्कार हम देते हैं वो इन्हीं चीजों पर है, और इसको आप आज भी मॉडर्न भी देखिए कैसे इसको जो है एक्सेप्ट कर रहा है। तो श्योरली दिस बिहेव ऑफ फैमिली इज गोइंग टू बिकम ए पार्ट ऑफ माइंड एंड बिहेवियर ऑफ द वुड बी चाइल्ड। मेच्योरिटी एज एंड होम टू मैरी। पंच विषय तत्व वर्षे पुमान नारी तो सोलह से समत्तागत वीर तो जान याद कुछ लोग। यहाँ पर उन्होंने पहले कितनी अच्छी तरह से वर्णन किया कि कब जो है मेच्योरिटी आती है गर्ल्स में और कब मेच्योरिटी आती है पुरुष में। तो एक जो है समान मेच्योरिटी वाले जो है पुरुष और महिला का ही जो है साथ होना चाहिए मैरिज के लिए। हम चरक टॉक्स अबाउट अतुल्य गोत्रीयता की बात जो है चरक करते हैं थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अर्लियर। नाउ वी आर एडवोकेटिंग टू अवॉइड कंजंगुइनस मैरिजेस। आज इस बात को सोचते हैं मॉडर्न साइंस में कि कंजंगुइनस मैरिजेस जो हैं वो रिसेसिव जीन्स का भाग बनती हैं, इसलिए उन्हें मना किया जाना चाहिए। और अतुल्य गोत्रीयता हमारे महर्षि हजारों हजार साल पहले से इस पर जो है व्याख्यान देते आ रहे हैं। डूज एंड डोंट, क्या क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए। बिफोर द गर्भ आधानम, गर्भ का आधान करने से आधान होने से पहले गर्भाधान करने से पहले बोथ द पार्टनर शुड गो फॉर द शोधन कर्म। शोधन कर्म जाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एज द क्वाइटस शुड बी ऑब्जर्व फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू लाइफ। क्वाइटस का एकमात्र उद्देश्य होता है टू क्रिएट
न्यू लाइफ एंड नॉट मेयरली ए कार्नल प्लेजर, केवल जो है सेक्स जो है केवल प्लेजर के लिए नहीं होता है, ये इसका जो है मुख्य जो है उद्देश्य है वो क्रिएशन ऑफ ए न्यू लाइफ है। जब हम इसको, इसीलिए हम इसको जो है संस्कार का नाम देते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट गर्भाधान ए संस्कार। ये गर्भाधान इसको हम एक संस्कार के रूप में लेते हैं, इज जस्ट नॉट ए कार्नल प्लेजर। इसीलिए पुंसवन संस्कार, और किसके लिए? सुप्रजा के लिए, प्रजा सुप्रजा हो, जो 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 संतान हो वो सुप्रजा हो, या उसमें सारे गुण उत्पन्न हो, ऐसी प्रजा की कामना के लिए हम पुंसवन संस्कार करते हैं। न कि जो है जैसा कि एक मिथ्या या भ्रम है कि हम जो है केवल पुरुष संतान उत्पन्न करने के लिए ऐसा करते हैं, वो भी साथ में उपलब्ध हो सकता है, बट वहाँ पर मेन काज सुप्रजा के लिए। तत्प्रयासिता छुचिता पिपासिता भीता विमना शोकार्ता क्रुद्धा अन्यम तुपमान समिच्छन्ति मैथुने चाति कामा व न गर्भधत्ते विगुणाम च प्रजाम जनयति। साफ साफ लिखा है कि अगर ऐसी कंडीशन में जो है गर्भाधान होता है तो विगुणाम च प्रजाम जनयति, ऐसी प्रजा जो है वो सुप्रजा नहीं होगी, वो उसमें गुण की विरूपता होगी या विगुणता होगी, या उसमें जो है वैकार उत्पन्न होंगे। गर्भाधान संस्कार गर्भस्य आपनाम वीर्य स्थापनम स्त्रीकरणम यस्मिन् नियो वा कर्मणा तद् गर्भधानम। ऐसे ही पुंसवन संस्कार के बारे में भी है, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये पुंसवन संस्कार भी जो है बच्चे में सुप्रजा जो है प्रजत्व देता है। हाउ डाइट एंड बिहेव अफेक्ट यद अन्नपानम प्रायण गर्भिणी स्त्री निशे होते रसो निर्वर्तते तादृक्तधाचार से प्रवर्तते माते पुष्टे कांसो द्वितीयो गर्भपुष्टे पुष्टे तृतीय स्तन पुष्टम नार्या गर्भस्य पुष्टि। काश्यप ने लेहाध्याय में इतना सुंदर वर्णन किया है कि डाइट एंड बिहेव ऑफ the would be mother and the family is going to decide the formation of psyche and soma of the fetus since conception. Conception के समय से ही उसकी जो psyche और soma को ये प्रभावित करते हैं, इसलिए आहार और विहार ये बहुत ही उत्तम किस्म के होने चाहिए, और इसीलिए हम गर्भ संस्कार की बात करते हैं। That's why we recommend मासिक गर्भिणी चर्या, और इसीलिए हम जो है गर्भिणी की हर एक मास की अलग अलग चर्या बना के रखी है हमारे महर्षियों ने, किस मास में किस तरह के गुण जो है गर्भ में बनने हैं, किस तरह के गुण गर्भ में पनपने हैं, उस तरह के आहार विहार का उन्होंने जो है अवधारणा दी है, और इसलिए मासान मासिक गर्भिणीचर्या का पालन हमें करना चाहिए। पुंसवन संस्कार और गर्भ संस्कार की बात हम करते हैं। एग्जाम्पल आप प्रहलाद, इनके सबके एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, हमें जान सकते हैं कि ये फिटल स्टेज में ही जो है गर्भ सब कुछ सुनने और समझने के लायक होता है। कहने का मतलब ये है कि जो एनवायरनमेंट आपके सामने जो है आप उसके सामने प्रोड्यूस करते हो, निश्चित रूप से उसका असर उसमें पड़ने वाला है। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल ऑफ बीइंग मच लेट टू स्टार्ट टू ईच ए बेबी एट ऑफ एएचडी। अगर हम एएचडी के बेबी को ये सोचते हैं, हम इसको जो उसके जन्म लेने के बाद उस पर या किसी भी बच्चे को हम जन्म लेने के बाद सुधारने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से कम 9 महीना लेट तो हो ही गया। हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली जो बेबी जन्म लेता है वो अपने कंसेप्शन से 9 महीने बाद पैदा होता है। 9 महीने तक का समय तो हमने खो दिया, उस समय भी हम बहुत कुछ कर सकते थे, और यही चीजें हमें गर्भ संस्कार के रूप में बताई जाती है। भास्कर ट्रीटिंग एन एएचडी, अब इन सब कंडीशंस में हम एएचडी को कैसे ट्रीट करेंगे? एज इफ नाउ देयर इज नो ट्रीटमेंट, वी हैव जस्ट टू मैनेज टू मेक हिज हर लाइफ इजी एंड मोर सोशल देन अर्लियर। तो अभी कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, हम केवल उसकी लाइफ को इजी बनाने की सोचते हैं। So with appropriate treatment and education, many children with autism spectrum disorder can learn and develop. Early intervention often causes reduced challenges associated with autism, lessen disruptive behavior, and provide some degree of independence. Treatment depends on the needs of the individual. In most cases, a combination of treatment methods is more effective. Autism spectrum disorder may require
लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट. अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH, ट्रीटमेंट फॉर द ऑटिज्म कैन इंक्लूड बिहेवियरल मैनेजमेंट, कॉग्निटिव मैनेजमेंट, बिहेवियरल थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग एंड पेरेंट मेडिएटेड थेरेपी. आयुर्वेदा इसमें क्या कर सकता है? इफ वी सी एएचडी विद एन आयुर्वेदिक आई, इट सीम्स टू बी अ डिसऑर्डर ऑफ त्रिदोषज ओरिजिन. इट कैन फर्दर बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ वात, पित्त एंड कफ. Further influence Raj and Tam in the brain. Raj and Tam are the ultimate entity to derive the psyche of the person. So यहाँ पर हम देखते हैं कि वात, पित्त और कफ जो है वो विभिन्न अपने stages में उसको उत्पन्न करने में सक्षम है. So the treatment can be managed according to the predominant of the दोषा. जिस तरह के दोष, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ASD के हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मूड की तरह से पड़े रहते हैं, तो वो उनमें कफज उत्पत्ति कफज प्रिडोमिनेंस माना जा सकता है, और जो ज़्यादा एक्साइटेबल हैं वातस प्रिडोमिनेंस माना जा सकता है, और उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? ए टिपिकल आर्टिस्टिक चाइल्ड कैन बी टेकन केयर ऑफ विद शिरोविरेचन एंड भस्त्रिकर्म. ये इसके मुख्य जो चिकित्सा हो, और इसमें जो है शिरोविरेचन के लिए प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग और भस्त्रिकर्म के लिए मात्रा भस्त्रिका का प्रयोग करना उचित रहेगा, क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा तीव्र पंचकर्म करने के लिए मना किया है. ए जुडिशियस यूज ऑफ मेद रसायन का प्रयोग कर सकते हैं. जीवनीय और बल्य रसायन और बल्यगण के द्रव्य का उपयोग कर सकते हैं. अगर ए प्रॉपर क्षीर बला तेल से स्नेहन करने के बाद, अभ्यंग करने के बाद ही हम इस तरह और रसायन थेरेपी बजा सकते हैं. ए कम्बिनेशन ऑफ अश्वगंधा, ब्राह्मी, जटामांसी एंड मुक्ता पिष्टी टू ट्रीट एग्रेशन एंड एक्सप्लोजिव आउटबर्स्ट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली. तो अश्वगंधा, ब्राह्मी और जटामांसी और मुक्ता पिष्टी का जो कम्बिनेशन है, इसको यूज करके हम जो एग्रेशन है उसको हम मैनेज कर सकते हैं. योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये भी एक मेन स्टे होगा जो है ऑटिज्म के बच्चों को जो है सिखाने के लिए. तो हम क्या क्या चीजें इसमें करनी चाहिए हमें आयुर्वेद की तरफ से? वो आयुर्वेदिक दिनचर्या जो हमारी सबसे बताया गया है कि ब्राह्म मुहूर्त है उत्कृष्ट है, तो ब्राह्म मुहूर्त में उठना है, और योगिक एक्सरसाइजेज, सर्वांगासन, शीर्षासन और शवासन जो है बच्चों के लिए, इसमें ASD के बच्चों के लिए ज्यादा उपयुक्त होंगे. उज्जयी और भ्रामरी प्राणायाम करा सकते हैं, मेडिटेशन करा सकते हैं. रेगुलर स्वर्ण प्राशन स्टार्टिंग एट एनी गुरु पुष्य नक्षत्र जनरली पुष्य नक्षत्र में करते हैं, लेकिन हम ASD के बच्चे को गुरु पुष्य नक्षत्र में स्टार्ट करा के और आगे के 6 महीने तक लगातार जो है, जैसा कि जो है काश्यप ने पहले ही वर्णन किया है कि जो 6 महीने तक जो अगर उसमें हम जो है देते हैं अगर स्वर्ण प्राशन, तो बच्चा जो है श्रुतधर हो जाता है. मासात परम मेधावी व्याधि नचद्रिसते कडवीर मासाय तो शुद्ध सुवर्ण प्राशनात भवे. तो वहां पर उन्होंने बहुत ही साफ इसका वर्णन किया है. और ग्रह पहम कहा है कि ये सभी तरह के ग्रह कारण, ग्रह में हम समझ जानते हैं कि किसी न किसी तरह के मेंटल डिसऑर्डर साथ में जुड़ा हुआ होता है. तो इस तरह से जो है ये स्वर्ण प्राशन का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं. पीयूष कोलोस्ट्रम, कोलेस्ट्रॉल हम जानते हैं कि जो है ये इसमें प्लेंटी ऑफ दी पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, जो कि जो नई तरह नई सेल्स का वो कर सकती हैं, और इस कारण से हम पीयूष का उपयोग इसमें कर सकते हैं. आयुर्पोषक मोदक का भी हम जो है इसमें उपयोग कर सकते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि ये बच्चे जो है अपने मन के ज्यादा होते हैं, और इस कारण से ये प्रायः जो चीजें पसंद करते हैं, जो खाना पसंद करते हैं वही खाते हैं, तो इस तरह से इनमें जो है कई बार कुपोषण भी होता है. तो ये कुपोषण दूर करने के लिए भी, और साथ साथ जो है कुछ इसमें हम मेडिकेशन एक्स्ट्रा मिलाए हुए हैं जिनको यूज करके हम आयुर्पोषक मोदक का भी निर्माण कर इनको जो है बच्चों में दे सकते हैं, और वो मुफीद होगा. आयुर्पोषक मोदक का निर्माण किस तरह से करना है? गेहूं का आटा 1000 ग्राम, ये पूरी लिस्ट है, आप इसको जान सकते हैं. जौ का आटा 500 ग्राम, ज्वार बाजरा, सांवों, कोदो का आटा, ये जो है हमने आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी में इसको डेवलप किया था पिछले सितंबर में, 2019 में, और इसको जो है बंटवाया भी था,
तो ऑटिज्म ही नहीं, कुपोषण का भी के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन ऑटिज्म के लिए स्पेशली हमने अश्वगंधा, शतावरी और ब्राह्मी तथा वचा चूर्ण जो कि ये बच्चे बोलते कम है तो इसलिए जो है इसमें अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए मैंने अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी चूर्ण और वचा चूर्ण का भी उपयोग इसमें किया है। और हल्दी सोंठ जैसा कि हम जानते हैं कि अपने आप ही उपयुक्त है, तो इस तरह से इस जैसा कि जो सामान्य हम जो है घरों में लड्डू बनाते हैं इन सब चीजों को लेकर के, वैसे ही खाद्यान्न सारे जो है उनको घृत में भून करके, गेहूं का पाक बनाकर और अंत में हल्का शीत होने पर औषधि द्रव्यों का जो चूर्ण है उनको मधु में मिला करके और घृत के साथ इनका जो है 25-25 ग्राम का मोदक बना करके जो है सुबह शाम प्रयोग कराएं तो ऑटिज्म में इससे हमें लाभ मिल सकता है। कंक्लूडिंगली, ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एंटिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बट हियर वी मिस दैट सोशलिज्म या सामाजिकत्व इन द ऑटिज्म। ऑटिज्म में हम यही सामाजिकत्व नहीं पाते हैं और यही यहाँ पर लैकिंग है। तो ऑफ कोर्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट अप टू द मार्क like of common people, but if taken care of timely and sensibly, autism is a kind of shivatva. मैंने इसको मैं अपनी तरफ से मैंने इसको जो है autism को शिवत्व से, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जो है आत्म केंद्रित हैं और वो इतने आत्म केंद्रित हैं कि उनकी मैथ, उनकी फिजिक्स, उनकी ये चीजें बहुत ही स्ट्रांग होती है। कहने का मतलब कि इनमें बस थोड़े से ही सुधार की आवश्यकता है, अदरवाइज जैसा कि शिव होते हैं, शिव अपने आप में ही जो है आत्म केंद्रित ही होते हैं, ज्यादातर समय में वो समाधि में ही लीन होते हैं। तो उसी बात का मैंने यहाँ पर उसकी तुलना की है। ऑफ कोर्स द सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट अप टू द मार्क लाइक ऑफ कॉमन पीपल, बट इफ टेकन केयर ऑफ टाइमली एंड सेंसिबली, ऑटिज्म इज ए काइंड ऑफ शिवत्व। As she also remains mostly in the samadhi or in own self, and we also know Shiva Tandav. जब जो है शिव रुष्ट होते हैं तो शिव तांडव करते हैं, वैसे ही हमारा आर्टिस्टिक चाइल्ड भी रुष्ट होने पर ही सब कुछ ऐसा, अदरवाइज वो बहुत ही नॉर्मल और बल्कि अपना काम स्वयं करता रहता है, किसी को बहुत डिस्टर्ब नहीं करता। Whenever he is hurted, so give a good care and hearty touch, assuming Bal Shiva in a child with autism. These are the references. Thank you all. ऐसा स्वस्थ दीप जलाओ जो तूफानों में भी दर्शक बने, इस कामना के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हेलो, एक्सीलेंट एक्सीलेंट डॉक्टर वीरेन कुमार, great, thank you sir, thank you very much, very nice presentation, mesmerizing. Now you, I would sir. Like thank to you. Welcome Dr. Shekhar Annam Bhotla from USA. Welcome doctor, welcome. Dr. Shekhar Annam Bhotla is well known figure with Ayurved Wellness Center Ojas LLC and founder of Association of Ayurvedic Professionals of North America INC, Global Ayurved Conferences, Pennsylvania, USA. I welcome you, Dr. Shekhar. Welcome. And sorry to trouble you in early morning. So nice of you that you have accepted our invitation. So nice of you. Please, Dr. Shekhar Annam Bhotla, please. Thank you. Welcome you all, and good afternoon and good evening for everybody who are in India. Right now, time is you are able to. I'm audible. Audible and slides are visible also. Great. So today is a very very special day, and Autism Day, World Autism Day. And it's a very good thing that Dr. Pawan Sharma ji, he's thinking about having an autism kids who are worldwide third number of cases are there in the worldwide. So if you look into that, and I'm very very thankful to Imami Group and as well as Dr. Pawan Sharma and the team to bring this today's presentation. So with due respect, I would like to start my presentation with focusing on the Marma therapy along with that autism spectrum conditions, like that, what we can do and how we teach in America
For the parents, particularly kids cannot do it much anything. So whereas we can provide such a wonderful service for the people like that. And this is the insights I'm going to give it to you, all of you. So today we are going to discuss about the marma therapy, how the marma therapy can be helpful for them and for the autism spectrum disorders. So this is a brief description about myself. Dr. Pawan Sharma has already explained about me, who I am. Dr. I am the founder and president and director of the various organizations in America. I am almost 25 years in America, and actually 33 years I'm practicing Ayurvedic medicine. I'm from Gujarat Ayurveda University, MD Ayurveda Kai Chikitsa. And this is the countries where I traveled and taught various courses, educated people like that. So more than 30 countries and 28,000 patients we have seen in America and other countries. So these are the awards and advisory board and editorial board and professional members and certifications and media interviews. And disclaimer, the information provided in this webinar is exclusively education purpose only, not to diagnosis, treat or cure or prevent any specific disease. And we are not endorsing any product or educational institute or health professional. There is no conflict of interest. So look into that. Autism is not a disease. It is a spectrum of the condition like that. It is a syndrome. It's a well-defined neurobehavioral, neurodevelopmental disorder. So what is happening here? Nobody cannot understand what is going on with the kid, little kids, and how they impact on these things like that. This is the third most common developmental disorder. So world's third most common developmental disorders is classified. And of course, today is April 2nd, World Autism Day. And autism in Ayurveda, we can consider very closely to that Unmada. It's not an Unmada. It can be considered as Unmada insanity, the behavior of the person like that. We have seen also various people who are in the world also, they behave like insane. We call them Unmada. So common clinical features, if you look into that, social behavior features. There are certain social features are there. Problem in verbal and non-verbal communication. This is happens to anybody. In elderly kids also can happen. Elderly people also can happen. So this is a communication skill is very, very difficult for them. Inability to engage socially and emotionally with caregivers. So that is the thing when they're giving the generally here caretakers are there, caregivers are there, and daycare centers are there where the communication skills, we look into that, go and bring the kid, items for them and identify the various colors and toys and everything. If they are not responsive to that, that's the thing also we consider and these things. Also, preference to the solitary play. They generally, they're not a team players. Generally, they like to play on their own and they don't want to be disturbed by anything. And poor eye contact. That is the thing also in my practice. I have seen several people, kids, they don't like to see my eye. So what I do generally, I slowly interact with them and make sure that they feel connected with me and they're connected. It takes some time. A lot of parents, when they come, they wanted to have spent 1 hour time and fix the problem. So it's not going to happen. It is not a progressive disease. It has to have a good rapport has to be developed between the patient as well as client as well as you. So that is a very important, like that you cannot send in a 10 minutes examination and scare the people. As the kids are generally having a tendency to have scared with the doctors and health professionals. So generally they don't like to go and intervene by them because they are very closely connected to parents particularly. And they would like to spend more time with the parents and family members like that. If unknown practitioners are there, then it has to be very carefully observed and everything. A lot of times we need to observe them. Clear? Okay. These are now language problems. Language features are there. Delay in speech
and language. So this is the thing also I notice in my practice. A lot of symptoms are there. This is the symptoms I notice in my practice. And there may be some thousands of symptoms are there. But the thing is, basically, I'd like into the take into the smaller quantity of the patients who are having a delay of speech and language. So when they have a delay in speech and language, sometimes kids tend to have a delayed speech nature. So parents are so worried about that they have to speak very well and all immediately like that. Every kid responds differently. Impairment in the comprehension language. So the language, communication skills and everything, impairment is there. That is the reason also we have to be very cognitive and very, I think it's a very tough task for the parents. I have to be thankful to all the parents who are having this autism spectrum disorder, ASDK condition, autism disorders. Those parents, we have to be very, very thankful to them. They have to be very patiently. They have to educate themselves first. And 50% of the treatment goes to the parents. 50% goes to the children. So a lot of people, they think about that. Give the medicine for the kids. Give the treatment for them. And it is done. No, it's not like that. It has to be in a both ways. Like the parent as well as the child has to be responsible for taking care of their health. And sometimes fluent but meaningless talk or writing gibberish. This is the thing also I noticed that kids, they write, I ask them to write their name. They don't write properly their name, or otherwise when they are talking, sometimes they can speak fluently. I have seen some kids like that, fluently they speak, and even they have a strong memory. I have seen one boy who is able to watch the TV and everything, and after that, exactly what the language they used, how the language they used, and everything, they can repeat it immediately. So that much of a powerful memory is there in their physiology, like that they can speak very fluently. And we cannot stop them, let them completely sentence 15-20 minutes, sometimes they may talk. So fluent, they are very fluent. And when there are autonomic conditions like skills of writing skills, those type of things, they may be affected like that. Every kid is differently affect on these things. I have seen another kid who is a very good handwriting, but he is not able to speak well. Activities, behaving like a deaf. So a lot of times, this is also a very examination, very important like that for the autism spectrum conditions, that whether the kid is able to hear very well or not. And as if he is able to hear, but he behaves like a deaf, irritable, and very, they don't have patience like that. That's the thing also, when they're in the consultation, they wanted to walk around and move around like that. That's the thing also, it's one of the inflammatory conditions in the brain. Chronically unhappy. They are not happy kids, and they can be momentarily happy, and sometimes they can be long term, they don't have any happiness is there. In case of in some cases, hyperactivity, impulsivity, all there, stereotypical movements like a twirling and flapping of the hands, toe walking. This is the thing is a very, very commonly see. Recently, one of the spelling bee competition was happening. And one kid, he is a very, very smart. He walks on the toe and he came for the spelling bee. And whatever the question you ask, whatever the sentences you say, ask, anything, any spelling, he can tell very clearly and very pronouncefully. That is indicates that they are smart in some areas. Some areas are not smart. That doesn't mean that we have to behave like that way. Everybody is in different actions like that. There's a normal number of people are there. Only we have 20 to 30% of the people are normal in the worldwide. 70% of people are some level of autism spectrum condition is there, whether they have an anger, frustrations, and jealousy. These are all the varieties of things like that. But the thing is that kids, they can influence by the in childhood that affect on the long term, even the adult age also. You can see we can give the different names, OCD, obsessive compulsive disorders, various names are given according to age group like that. So it is not like in one way we look into that. This all comes under one category called unmada insanity.
mental features, neurological dysfunction like a seizure. So people, children can get a lot of seizure problems are there. And also few children showing of amazing, remarkable talent. As I told you earlier just now, that the spelling bee, the child is able to speak very well. Artistic, they are very, very good artwork like that they do it. Mental retardation between 50 to 70% cases you can also see. Sleep disturbance mostly in the first year. Generally first year they have a lot of cry and disturbance is there. The reason is that other thing is that also parents are, mother has to be taken care and breastfed very well and nourishing the baby very well. As the earlier speaker has explained it, how in the pregnancy time, how it has to be taken care about the mother during the pregnancy, and then whatever the diet is influencing, that is the reason Garbhaja Bhavas is clearly mentioned, Matruja Bhavas is mentioned, Pitruja Bhavas is mentioned, Atmaja Bhavas mentioned. There are so many Bhavas are mentioned in Ayurvedic textbooks. The features are there. So those features also influence on the baby, and it is very, very important to, one has to think about that, those areas also. And it's a crucial part is that food is a very important thing. A lot of parents, they think about that, where the food, what type of food we have to give, whether the Indian food is good or American food or Italian food, Mexican food, whatever the things are, because ethnically they are having a different culture, different types of diet, dietary plans are there. But here Ayurveda recommends slightly different like that, the gut health and brain health are very, very important. There is a lot of studies are done, dairy products. So a lot of dairy products, particularly this, particularly cows and goat, and these are the common milks we drink. But these are the things are pasteurized, highly pasteurized and everything. And then these are the chemically processed, and sometimes a lot of vaccines as well as antibiotics are given to the animals and everything. Those are the things also inhibiting the breast milk. Like you think about that, some of the medications, they go through the breast milk. So there's a lot of things which has to be taken into consideration like that. So dairy products, generally I don't recommend the people, children, to give the dairy products during the period of time. Avoid completely dairy products, and particularly mother's milk is fine. Other than that, they should be very careful of giving the completely dairy products, including cheese and milk products and everything, and nightshade vegetables. So this is also having some level of a histamine releasing character is there, influence on these things, inflammatory condition is there. That is the reason one has to remember that tomatoes, eggplant, potatoes and bell peppers, these are the things are very commonly we try to avoid those children. Citrus fruits, particularly citrus fruits, savory fruits, which can maybe reduces vata dosha, but the thing is that it is having inflammatory condition is there. And we have seen known factor of peanuts are having high allergen qualities are there, that one has to remember that not to give peanuts for the kids. Preservatives, particularly in the food items like that, a lot of things are there. If the freshly homemade foods doesn't have any preservatives and no colors, food additives. There are so many food additives are added, insecticides, pesticides and heavy metals. These are the contents are there. A lot of things, you can see the turmeric, a lot of people, turmeric is good. Organic source of turmeric is very important. Otherwise, what you can do, you can have any lead poisoning, that type of things are there. So this is the things are very important, that any medicinal plants, even a lot of people, they think about the herbal medicines are safe. Unnecessary taking of herbal medicines also not good. There are a lot of side effects are there. That is the reason we recommend, highly recommend that the people who are suffering with autism spectrum disorders, and parents particularly, because kids, they don't know, and parents has to guide them. So parents, I humbly request all of them that they have to see a qualified Ayurvedic doctor or a medical doctor who is well-trained and able to pursue this type of things like that, very important. Even sometimes what happens to the medical doctors who are not able to help completely in the conditions, that they can have an introspective of the looking into the various other modalities such as acupuncture, chiropractic and osteopathic medicine, manipulative therapies and Ayurveda, homeopathy.
These are the various systems of medicines also existing in the world, and it is not created now. It is thousands of millennia. It is there. Systems of medicines there. I humbly request all the medical doctors also. It's not only looking for that, and they have to look into the other alternative systems of medicines which are there existing. They can refer the patients to them. Then they can work collaterally, work together. That is the thing is very, very important here. Collateral working is important. Integrative medicine approach is very, very important, because, for example, if somebody got a head injury, they are not going to go to the Ayurvedic doctor or a yoga teacher. They are going to go to the medical doctors where the emergency rooms are there, where they can take care. If somebody having not able to sleep well, or emotional issues are there, autism spectrum conditions are there, they have to look at the alternative system of medicine. All diseases cannot be cured with chemically treated medications like that, like Western medicines. So this is the very important thing. One has to think about that. Gut health is a very important health. Autistic parents, patients should demonstrate increase the digestive issues. So this is the thing I notice in my practice also. Lot of kids having, and first thing is that what you are giving food for the baby. We don't prepare well. We buy the food from the outside. Packaged foods are there. He loves to eat Oreo cookies and certain things they are giving like that, which are not healthy. And you can look into that ingredients. How many ingredients are there? I tell my parents, I educate my patients like that particularly. Tell them that don't give any preservative foods. So that is a toxic for this baby, and it is not going to grow and develop improve the immune system or anything. The IgE, IgG mediated testing for food sensitivities and allergens are recommended. So generally, there's a lot of food sensitivity tests are done by the medical blood group and blood work like that they can done. And that can be seen that what type of food is creating sensitivity like that. So generally, if you see anything which is a naturally source available, for example, blueberries, or strawberries, or any berry fruits, or anything like that, or something, carrots and spinach, those type of things are very naturally available. Those things you can bring it and prepare it, and for them without adding any other things, like adding up some spices like cumin, coriander, and we'll talk about the detailed spices can be used for the improve the overall health of the gut health. In severe cases where the IgG, IgE mediated testing not feasible option, specific elimination diet determine the offending the food is recommended. So that is the reason one has to think about that, having where the tests are not available, they should follow the simple dietary changes, like they can follow that one. Spices are very, very good, very improvement like that. This is like an pesticides. It works like a pesticides. It's very powerful. And ginger, long pepper, black pepper, and trikatu is a wonderful combination, Ayurvedic formulation. And trikatu can be made into the wonderful way, elixirs like that, trikatu rasayanas like that. So the combination of ginger, black pepper, and long pepper, this is a wonderful syrup. So we have to see the ginger serum, that the trikatu syrup can be made it very palatable for the kids, and it is a very powerful way to improve the overall absorption into the body. That's the thing is very important. Pharmacokinetic action of the in each and every product is very important. Probiotics, that is also proven system like that. Probiotics are multi-strain probiotics are available. Bifidobacteria and lactobacillus this is the various things. The immune system, to boost the immune system, blood cells and inflammatory conditions and high stress levels and all the conditions during the periods of period. So this is the thing. One can use the probiotics in a correct way and a correct amount. And gut health, first to repair the gut, and then you can give the probiotics. As I told you that earlier, that the immune system is very, very important. They are supported very well and with the children. And a lot of times, you don't need to send the kids to the rush to send to the school. So you have to spend a time. That is the reason. Mothers and parents have to be responsible for taking care of the kids in the home and giving you good, healthy food and everything. A lot of parents who are working women, and they are focused on their studies and their work and everything, they're not able to focus on the kids. Then they have a lot of problems with their kids having early stages of the developmental problems like that. And it's a very
known formulations like that, Tenospora cardifolia, Guduchi, it is a samshamana quality, it is in a three dosha balancing quality, it is a very good Guduchi, is an very good antioxidant, and Emblica officinalis amalaki. Amalaki is also considered as an vayasthapana, means it enhances the longevity of the person. And Piper longum, Peppoli, and Trikatu combinations. Astragalus, we can generally give here, improve the immune system stronger. Astragalus, and we also give Echinacea. These type of herbs can improve the immune system stronger. And yoga and autism. This is the thing, very, very important like that. We have to teach them kids yoga. Improvement in the concentration focus is very, very important. Simple things. Organizations, organizing skills will come and relaxation will happen. Tolerance for sitting. I have seen the several kids when they have started yoga asanas and everything, they're able to sit for a long period of time gradually. Postures. Postures can improve the overall health of the individual, ability to balance, understanding the directions and various directions. We can ask south direction, west direction, east direction, every direction they are able to tell and everything. Better grasser movement, gross motor activities, imitate the poses without assistance. So that is the thing, is also kids, they even, you can see the dogs and cats, they imitate the similar way parents and dog owners who are doing, the same way the dogs and cats they do. Similar way kids also, when the mother and father they are doing yoga, that also helps a lot for them, improvement of the things like that. Increase the eye contact and intelligence was noticed very good. And also there's a lot of studies are done on the yoga and autism spectrum disorders. That is the reason it is not like a one fix like that. One has to go through the process of the yoga expert, Ayurveda expert, homeopathy expert, Unani system of medicine expert, Siddha medicine, various systems of the experts who can sit together and come to the one conclusive program. That is the thing, wonderful way to put them together, an integrative approach to the autism spectrum conditions. So, and pre-panchakarma therapy, some simple therapies, we cannot give main panchakarma therapies. Abhyanga can be performed. Abhyanga, a lot of times I give the oils for them, and parents, I teach them how to do it, and they perform themselves like that. That is the best way to go it. Shiroseka, application of the oils and the decoctions like that. Dhara treatments are very good. And also Pichu, application of the Pichu oils on the head. And it's a powerful way to relax the mind, body, and these things. Tarpana therapies and Lepa therapies and some Basti therapies, localized Basti therapies and something like that. You can do it. That will help a lot for the improving. As the kid is growing, you can see various therapies, panchakarma therapies can be performed, but not early stages. You cannot give too many panchakarma therapies, but external therapies can be performed very easily and without traumatizing the baby also. You have to think about that. Baby is traumatized, basically, and you have to be very, very careful, very objectively, very carefully we have to administer these things. And patient education is very, very important. Pre-panchakarma therapies, these are the things, common things are mentioned like that. Depan, Pachan, Anuloman, Abhyanga, and Swedana. These are the Vamana, Virechana, Basti, Nashya therapies. And also, Pashyat Karma, Samsadhyan Karma, Achar Rasayana, and Rasayana therapy, as clearly mentioned in Ayurvedic textbooks. So, these are the herbal mineral formulations which are there. Brahmi Gurtam is very good in a food you can give in a small doses of the small preparation of the ghee preparations and also in the food they can give. And Asavas, Aravindasavam, really having a very good effect on the kids, and I have seen the tremendous results on the kids' development. Draksharista has also very effective in this practice, my practice. Then Thailadharas, Thailas, Kshirabala Thailam, and Ashwagandha Bala Thailam, Jyotishmati Thailam also, very powerful way to use them. Churnas, particularly Saraswatarista and Vachachurnam, Trikatachurnam, Trikatalachurnam, and these are the things very, very good improving the extra curricular activities and extra improvement of the overall health of the mind. So, other subtle therapies, I do also various therapies here in my practice. So, being 30 years I'm practicing Ayurveda and autism spectrum conditions, various conditions I have seen, and I have seen some tremendous results in the people who are having a marma therapy. Is a wonderful way of enhancing the motor activity and everything. Pranic healing, energy healing, and also Reiki healing, meditation, art therapy. So art therapy is also really powerful, and then yoga nidra,
mantra chikitsas also can be done, and Gandharva Veda music, classical music, that can be put it like that, that also relaxes the mind and body. And which we discussed about these things, ASD and diagnosis, common prognostics and these things, and social behavior, and repetitive communication skills, behavior patterns, and everything. We discussed gut health, probiotics, improve these things. And now, practical application of Marma therapy. Do I have time, Pawanji? Yes. Yeah. Okay, good. I don't want to go beyond the time limit because there are other speakers out there. A practical application of Marma therapy is very, very important. And Marma points, as a lot of people may know about the Ayurvedic practitioners and other people, those who are medical doctors, and then this is the Marma points are Ayurveda mentioned. There are 107 Marma points in the body. So Sushruta has developed this type of surgical aspects. While he is performing surgeries, he noticed that certain areas are very consciously, carefully has to be done like that. Like a Western doctor who is doing surgeries and things, where he has to know about the arteries and nerve plexus and where all the things are there. Similar way, the Chinese system of medicine, acupressure points and acupuncture points has identified. Similar way, Ayurveda has given a state of heart of a training is called Marma therapy, and Marma therapy is a very powerful, very thing. The Marma points are a bridge gap between the physical energetic bodies by carrying energetic information between the mind and body organs and tissues. So this is the very energetic way which we are feeling that how the prana resides in the body, how our body is having an energy is flowing, how the Reiki healing and the pranic healing and all these things are working, because these are the reservoirs of the energy points. So these are the energy points which are tapping by the Eastern philosophy, such as a Chinese system of medicine, Indian system of medicine, and a Nepali system of medicine, Tibetan medicine, various systems of medicine. They believe it, and this is the existing in the worldwide. And Marma points are junction points between the physiology and consciousness. They are vital points in the body, Vata, Pitta, Kapha, and present in their subtlest forms. They are the subtle sukshma, means a smaller size. It is a smaller the way it is circulated in the physiology. So technique of Marma is very, very simple, and clockwise movement stimulate the and energize the Marma point. Clockwise movement stimulate and energize the Marma point, and counterclockwise motion breaks up the blocked energy within the point. That means what we are doing, we identify the point first, and once we identify the point, there we have to do anti-clockwise and clockwise and stabilize it, holding for a finger for about some time, about 30-60 seconds in a particular point, stabilizes the energy. So this is a lot of people think about the Marma therapy means like a massage therapy. It is not true. It is a gentle, very simple technique. We teach thousands of people, parents and children, we have taught about these courses like that. These courses are very powerful, and one can learn these techniques and very simple, not intervening into the medical way and medical interaction. They can take the medications along with that. This is the integrative approach to the parents can learn. So as I mentioned that 107 Marma points, head and neck, there are 37 Marma points, upper limbs 22, lower limbs 22, and abdomen and thorax 12, and back and trunk areas 14. So this is the classification of Marma points, or various classification of Marma points. I'm not going to discuss all the Marma points, particular important Marma points I'm going to discuss here. Marmas and the head and neck. So these are the various Marma points. And Neela, Manya, Siramatrika, Vidhura, Ukshepa, Shanka, Apanga, Avarta, Simanta, Adipati, and various Marma points are there in the body. For example, the Neela Marma is the veins in the neck, internal jugular vein, and upper cervical group of lymphatic glands, accessory nerves supplying the sternocleidomastoid, SCM, and recurrent laryngeal flexes, branches, and primary rami of the 4th, 5th, and 6th cerebral cervical nerves. This is the main area which controls the blood circulation of the head, speech, thyroid, heat absorption,
and of the skin. So mantra chikitsa, we can do it. Kids can teach them. When the parents are doing like that, this is the marma is activated in the subtlest level. It improves the circulation and everything to the brain. Next, manya marma. Manya is the back end of the middle neck, external carotid artery, anterior jugular vein, glossopharyngeal nerve, lingual nerve, and also accessory nerves and lymph drainage of the upper cervical glands. This is the mainly controls the plasma and blood circulation manya marma. So this is the very powerful way to give marma therapy. It's a blood circulation to the brain and everything is happens. So next one is a sira matrika. These are the arteries of the neck, branches of the common carotid artery, front and back of the neck, of face and side of the head, meninges, middle ear, thyroid, tongue, tonsils, internal ear, and forehead. Internal jugular vein receives the from the face, neck, and thyroid. Vagus and phrenic nerves also interferes with that, controls the blood circulation to the head. Lot of kids, when they have a blood circulation is not happening properly, then what happened? They react agitatively, jitterly like that. Lot of kids, when they go and hit the head to the wall. So this is the thing, when they have blood circulation properly, not happening, oxygenation is not happening, then they create this type of pressure and everything like that. The pressure development is there. Sometimes they pull their hair and a lot of issues, agitations, they can do it. Next, Vidura Marma is behind and below the ears, inferior tip of the mastoid bones, and it's the mastoid muscles and facial nerve and great auricular nerve and auditory nerve and basilar and posterior auricular arteries and posterior auricular veins controls the hearing. Lot of kids, they have behave like a deaf like that, and sometimes they have a hearing impairment like that. This is the thing, controls the hearing. This is the area, mastoid bone area. Humming pranayama, Brahmari pranayama is really powerful way of doing this therapy. This is the Brahmari, is in a very powerful way. That means putting the tongue to the palate, making the sound like a honeybee. So this is the thing, it also helps, and according to Ayurvedic people, Ayurvedic scholars who are known to the students who are listening to these lectures, and this is a good thing, that tarpaka kapha, it's in the brain, and cerebrospinal fluid, and also headache, and relieves the headache and neck pain. Lot of kids, they also complain about that they have a mild headache. That's the reason whenever they wanted to go out and they have a headache like that, and the neck pain, meningeal irritation, stress management, stress condition, the blood circulation, and liver and spleen condition benefits the eyes, is also helpful for the eyes. So Vidura Marma clinical application, migraine, occipital headaches, neck pains, and increased blood pressure conditions, and liver and spleen condition, vertigo and dizziness, visual disturbances and blurred vision, various conditions also can be given. Very powerful way to look into that. Krikatika Marma, actually in the atlas area, atlas bone area, posterior, the joint of the neck. This is the commonly one can do it. Sometimes I feel okay tired, like working for 8 to 10 hours. Then what I do, I take my hands and behind, I put the hand gently pressing and doing in a clockwise, anti-clockwise. After a few minutes of time, and I can see that the blood circulation is improved a lot. So blood circulation improves. So this is the thing. So this is the atlanto-occipital joint, occiput, first. So vertebral artery and veins, rectus capitis and lateralis and rectus capitis anterior muscles. These are the various locations. Controls the voice and bodily posture. And kids who are having irregular postures and everything like that, then that's the thing. It also rectifies like that. Circulation to the head and contentment and lubrication to the brain. These are the things that are very, very important. And stress reduction, this is the thing. These are the points which your parents can see here.
And anybody can see here, these are the points, very clearly mentioned that points. So Krikartika Varma. What happened? Okay. Next one is the Krikartika Varma clinical application, stress-related emotion imbalances, middle ear infections, asthma, unresolved grief condition. Those conditions also is a powerful way to improve the overall health of the individual. Ukshepa above the ears, above the temple area and the temporal zygomatic area, anterior temporal diplopic veins, and the second and third cervical nerves control the sense organs of the smell. So some kids they have a smell sensation will be lost, and it is also good for the large intestines. It is also gentle pressure on the muscles, massage fingers on the thumb with the thumb like that, and also it is relieves the mental agitation, psychological anger, and psychological problems. That is the reason what we do. If we are getting something annoying or something like that, I don't want to do like that. That's what we do. We do like that. We hit the head. That means we are having tension in that areas. Wherever the tension areas there, we try to hold it. So when we release the tension, then automatically you feel that more relaxation like that. Shankha Marma is a temple area, temporal bone along with the temporal muscles. It relieves the very good. This is Shankha Marma, is a very sensitive area. You cannot give too much pressure in that area, and not too many oils, essential oils to be applied. Just simple. If you are having pitta dominance, is there ghee can be used, and sesame oil can be used. And some cases we can use mustard oil, and we can use essential oils like lavender and peppermint oils, and various yang living oils and various living oils also can be used. Particularly, it is good for the relieve the stomach pain, and colon regulation of the colon influences speech and reduces the emotional stress and calms the mind. Shankha Marma having a lot of effects are there. Particularly, it's good for the facial palsy, Bell's palsy, facial trigeminal neuralgia conditions, and speech disorders, vertigo conditions, Meniere's disease, and eye disorders, and GERD, and gastritis, gastroesophageal reflex disorders, and duodenal ulcers. Various conditions can be given. The Shankha Marma therapy is a very good therapy. Apanga Marma is the outer corner of the eye. This is also outer corner of the eye. This is an eye contact. People who are not able to having eye problem like that, contact, not able to see. They can see well, but the thing is that they don't want to have eye contact. Those people will respond very well with the Apanga Marma, anterior ciliary arteries and veins, drainage to the superior parotid lymph glands and optic and ciliary nerves and sphenoid and maxillary and zygomatic joints, where they control the sense of the organs of sight. It is beneficial for the relieves the headache and suppression emotions. People who are having suppression emotions and form of tears, it comes out. Relieves the stress and calms the mind. Apanga Marma is very clinical assessment. You can do it a lot of things. Red itch eyes and ptosis, drooping of the eyelids, insomnia, stress, anxiety, suppressed emotions, and people who are having glaucoma conditions and ophthalmic migraine conditions, and also frontal headaches and sinus headaches. Various conditions can be given in this Apanga Marma therapy. The avarta, another marma therapy. Avarta means calamity and sensitivity. It is a vaikalyakara marma. It is also good for the anatomically frontal bones, sphenoid and frontal joints, levator superior rectus muscles, optic and frontal nerves, ophthalmic and supraorbital arteries and superior ophthalmic veins. So this is the thing. Stapani Marma is a very, very important. This is also Agna Chakra. Agna Chakra is clearly explained here. And we do a lot of therapies in this area. And we give a lot of eyebrow, between the eyebrows. Junction of the
glabella of the frontal bone and nasal, both nasal, two nasal bones. So supra orbital and facial arteries, and there are a lot of things. The meditation, we teach them om meditation, simple om meditation really helps a lot for the people who are having a regulating their mind. Stapani Marma. So this is the very good for the people who are having a poor memory, ADHD, stress management, insomnia, emotional disturbances, glaucoma condition, eye strain. These are the things which are commonly we see in the kids, and a lot of kids, they're not able to focus well. And Stapani Marma, I tell parents like that, sometimes pichu application means sometimes oil application or cotton swab, put it them there on the forehead and let them relax there and give a healthy food and everything. And then they will feel the big difference of this thing. We have to educate them. Different sessions are required. At least 10 to 15 sessions are required for the parents and the kids. Then only they can see the lot of improvement in their overall health. And Pana Chikisa, Pana Marma is the sides of the nostrils. This is located here. You can see here where the location is, the facial artery of the veins and branches of the olfactory nerves. The sensation of the smell is the last for the kids, autism kids. Those kids, this is a very powerful way to do it, like that. And smell and kapha condition, nasal passages and the sinuses conditions, which can be given like that. Sringataka Marma, which is a soft palate area. This is the area which you can see the location of these things. And control the vitality and lubrication of the tongue. Nourishment of the force of the mind and gentle massage with the finger. Tips the children and little kids, when the parents, babies are there and they have problems, are there, then put the finger there, gently massaging that area. It helps them to improve that one. And as soon as they got the teeth and everything, you have to be careful not to do it anything like that. Simanta is in a skull sutures and parietal suture. There are five types of sutures are there in the brain, in the skull area. This is the seventh chakra. Sahasrara chakra is there. Nervous system, plasma and blood and circulation to the mind and body, and gentle massage in the sutures and relieves insomnia, stress and agitation, anger, frustrations. This is the special therapies we do. And we do a talapathy chill, means that means application of some herbal paste on the head and to calm the nervous system and everything. I have some very good clinical data is there, and we have done a lot of panchakarma therapies in our center. More than 2,700 patients we have seen. The patients, a lot of patients, we do panchakarma therapies here in our America. And Adipati Marma is in a final marma point, is the middle of the head, vertex area, which is the occipital parietal joint, medulla oblongata, and direction of the connection of the prana, sadhaka pitta, prana vata, and sadhaka pitta, and tarpa kapha, location associated with the apana vata, and udara vata, and vyana vata. And this is the om meditation relieves and controls the sahasrara chakra, pineal gland, and nervous system, lubrication of the brain, thinking power, positive health, energy, and vitality. It also helps them to transcend and easily stimulates the memory, relieves the headache, and calms the mind and emotions. And it is a very good pichu application. Pichu means oil soaked cotton balls can be applied on the head, and there are special oils can be used like a Cherabala Thailam and Panchagavya Thailam. There are a lot of thailams can be used, and om meditation helps them to relax and transcend the body. Adipati Varma having a lot of kids having seizures, epileptic conditions are there, syncope, transient loss of consciousness, and inguinal hernias, palpitations, and people who are having a vata, people having a fear, anxiety, worry, nervousness, insecurity, loneliness, restlessness. These symptoms are there, vata conditions. Pitta condition, we generally we see anger, rage, irritation, impatience, frustration, envy, aggression. These are the things are very commonly we see in kapha condition. Depression, greed, attachment, and sadness, or misery, all these things we can see in the commonly the in these things. So we do also aromatherapy, various aromatherapies we are doing. And this is the last few slides. And rosemary, we are commonly we use it. And this is the memory enhancer and respiratory support and anti-fatigue qualities are there. And clear sage is also antidepressant and reproductive and neurotonic, as we can do. And cinnamon is also very powerful vata balancing and stimulant and antibiotic and antiseptic and antispasmodic qualities are there. And also frankincense we use, neurotonic and expectorant qualities are there.
and in Narva tonic, and clove bud essentially is good for the digestive, rheumatism, sprains and strains and toothaches conditions. And geranium has shown antidepressant qualities and also hormone balancing and lymph drain conditions also. It is very good. And peppermint is beneficial for the carminative and digestive and stimulant effect like that. And patchouli is an antidepressant quality and antiseptic quality and skin tonic. It has shown very good skin tonic, tonification. Lavender is commonly used in America and all over the world, and particularly European countries also. Antidepressant, antispasmodic qualities are there. Generally, these aromatherapies can be done either directly or can be applied in the home, in the room where he's sleeping, in the pillows and anything like that. There you can do it a lot of activities. Bergamot is another thing, antidepressant, anxiolytic qualities are there. And benefits of marmotherapy, it creates the equilibrium of doshas and dhatus and developments, and enhances the digestion and enhanced alertness, improved the mental and meditation practice, increased the emotional balances and everything, raises the tissue metabolism, and also removes the ama toxin, endotoxins, nurtures the body, and uses the natural state of sleep. And facilitates the marmotherapy, maintains the homeostasis, improves the attention span, and improves the memory, enhances the energy levels. And these are the references like that. Thank you very much for giving an opportunity to speak on this Autism Day. And we pray for all the kids and parents who are support caregivers, who are taking care of that and taking care of the wonderful kids. These are the kids are the future bright stars for our life and everything. So we need to take care of them. This is a wonderful mission. Dr. Pawan Sharmaji brought this one today to doing a webinar on such a particular day and remembering all the kids. God bless you. And God bless America. God bless India. Thank you. Excellent, Aksav. Excellent. Well explained. Excellent. Right from Ayurveda to Mormon therapy, excellent tune, I hope. And that will be beneficial for the society as well as doctors also, both. Yes. If any question is there from audience, I would like to welcome any question from audience. Thank you. Thank you, Ranjanji, for your clapping. Ranjanji is clapping. Ranjan Kumar Ghosh, excellent. Thank you. If any question is there, Dr. Shekhar is here, Professor Virendra is here. So I hope we can discuss if anybody wants. You experts have explained very nicely, so I don't think any question can arise. Thank you. That is very serious subject, no doubt very serious subject. What you have explained very easily in nice language, along with the benefit of Ayurveda, yoga, marma therapy. Excellent, yes. Excellent. Dr. Shekhar and Dr. Viren Kumarji. Thank you. Excellent. So I hope no question is there. Yes. Anybody wants to ask any question? I don't think so. Thank you very much. Thank you, Dr. Shekhar. Thank you, Dr. Viranji. And thank you, audience. Thank you very much. Thank you, sir. Adiom.